तो देखो 6D क्वेश्चन क्या है, इट सेज ऐसा कुछ है 64 इंटू 9 की पावर एक्स माइनस 84 इंटू 12 की पावर एक्स प्लस 27 इंटू 16 की पावर एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नाइन जो है वो थ्री और टू, थ्री बेस की नंबर है, ये टू बेस की नंबर है, ये भी टू बेस की नंबर है ना। तो आप इसको किसी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय से 16 की पावर एक्स से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट, 16 की पावर एक्स से डिवाइड करके मुझे मिलेगा 64 टाइम्स 9 बाय 16 की पावर एक्स माइनस 84 टाइम्स 12 बाय 16 की पावर एक्स एंड प्लस 27 इक्वल टू जीरो। अब देखो 9 बाय 16 तो 3 बाय 4 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाय 4 की पावर 2x और ये माइनस 84 टाइम्स 12 बाय 16 क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दो 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये 3 बाय 4 की पावर x हो गया। अब क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख गया कि नहीं, 3 बाय 4 की पावर x को क्या एज्यूम कर लो, y एज्यूम कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा 64 वाई स्क्वायर माइनस 84 वाई प्लस 27 इक्वल टू जीरो, आगे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। यस सर। नेक्स्ट सिक्स बी के बाद में अगला जो क्वेश्चन था टेंथ का बी, इसको भी देखो वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्या फैक्टर बनेगा जरा बताओ तो। कैसे फैक्टर करोगे इसको, 64 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और 27 है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इनके दो, इसमें से दो फैक्टराइजेशन करने हैं जिनका सम क्या हो जाए 84, तो क्या किसको किसको क्लब करें बोलो, ऐसा कर लें 9 और ये इतना ले लें, नाइन इंटू सिक्स कितना हुआ, नहीं नहीं 34 एंड 18 हो गया, 36 एंड 18 ठीक है। तो आप इसके साथ में 9 इंटू 3 लो बेसिकली, सॉरी 8 इंटू 9 ले लो, 8 9 मतलब 4 इंटू 9 लो है ना, 4 के साथ 9 ले लो, इतना 4 9 जा 36 और बच गया कितना 8 3 जा 24, नहीं ये तो नहीं होगा, 16 3 जा 48, 48 एंड 36 कितना हुआ 84, ये हो गया तुम्हारा 64 वाई स्क्वायर एंड माइनस 48 वाई माइनस 36 वाई प्लस इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या क्या फैक्टर कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 16 कॉमन तो दिख रहा है, 16 वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4 वाई माइनस 3 और यहां से क्या कॉमन ले लेंगे 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा यहां भी माइनस 9, तो 4 वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्चुअली तुम्हारा 4 वाई माइनस 3 इंटू
16 वाई माइनस 9 जीरो आ जाएगा, तो y के दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 3 बाई 4 और एक आएगी 9 बाई 16, बट y हमने किसको लिया था, 3 बाई 4 की पावर x को, इट इज 3 बाई 4 की पावर 1 और 3 बाई 4 की पावर 2, यहां से x की वैल्यू 1 या 2 आएगी। अगला जो है 10th क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 बी देखो, उसी सेम गेम का क्वेश्चन नंबर 10 बी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट क्या है देखो, पढ़ो 10 बी में दिया हुआ है, ये तो सिंपल था वैसे, 1/3, ये डिस्कशन भी हुआ था उसमें, देखना ग्रुप जो आपको शेयर किया था मैंने, 1/3 की पावर मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इट इज ग्रेटर देन 9, 9 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर माइनस 3, 9 को लिख सकते हैं 9 की पावर माइनस 1 और 9 को 3 स्क्वायर, तो 1/3 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। 1/3 की पावर x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि बेस उसका 1 से छोटा है, 1 से छोटे बेस का फ्रैक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, तो अगर ये इससे बड़ा है तो इसका जो इनपुट है इसके इनपुट से छोटा होगा, तो यहां से आ जाएगा मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, पेन पेपर के साथ काम करो, इज लेस देन माइनस 2, यहां तक ठीक है, अब कैन वी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई या नहीं, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वजह मिस्टर प्रणत, हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक्स माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें नहीं पता, एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू अगर 2 से छोटी हुई तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें क्या पता कि एक्स की क्या वैल्यू, वही तो हम डिटर्मिन करना चाहते हैं, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका तरीका होता है कि इसको इधर लाओ मतलब दोनों साइड 2 ऐड कर दो, ये तो अलाउड है इनइक्वालिटी में, आ जाएगा इधर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, क्लियर है, अब बिकॉज इसमें मॉड एक्स भी है एक्स भी है तो हमें दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा, कौन कौन सा केस, मॉड एक्स कैसे सॉल्व करते भाई, मॉड एक्स के लिए इफ एक्स इज नेगेटिव ले लें एक केस में, माइनस इनफिनिटी से जीरो ले लें, और दूसरा केस ले लें जब एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट केस अगर हम ले रहे हैं केस कंडीशन ये है, तो इस केस में आपका सोल्यूशन निकालने के लिए मॉड एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 नेगेटिव है, अब तो वेविकर मेथड से सॉल्व हो जाएगा ना, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 नेगेटिव हो गया, सॉल्यूशन वर्बली बताओ क्या आएगा, ये x माइनस 3 है, जब रेशियो नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो सॉल्यूशन तो आप लिख ही सकते हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0 का सॉल्यूशन बोलो वेविकर मेथड से, एक रूट 2 है एक रूट 3 है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, आंसर है x बिलोंग्स टू, अरे अरे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कहाँ आ रहा है 2 टू 3, बट रिमेंबर हमने केस कंडीशन क्या ली, माइनस इनफिनिटी टू जीरो, तो ये है तुम्हारा केस कंडीशन C1 और ये है सॉल्यूशन सेट S1, S1 और C1 का इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा, क्या तरीका बताया गया मॉड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले केस बनाएंगे, हर केस के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेट को केस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेके फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या आया, टेकिंग इंटरसेक्शन वी गेट
इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कुछ कॉमन है, इसमें सारी पॉजिटिव नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर है, तो नो नल सेट. एक्स बिलोंग्स टू सी वन इंटरसेक्शन एस वन, दैट इज नल सेट. फर्स्ट केस में कोई सोल्यूशन नहीं आया. अब केस टू की बात करो, केस टू के लिए भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे. केस टू में हमने एक्स को लिया जीरो से इन्फिनिटी, तो मॉड एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया. मॉड एक्स एक्स हो गया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई है भाई, इनइक्वालिटी में पुट कर दो मॉड एक्स की जगह पर एक्स. इनइक्वालिटी मतलब इसमें क्या आया, एक्स और टू एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस थ्री, थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो. यहां से फिर से प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाएगा. ये वन है, ये टू है, और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हमें आंसर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू अरे हमें नेगेटिव चाहिए बाबा, वन से टू चाहिए, वन से टू और जीरो से इन्फिनिटी. ये तुम्हारा है केस कंडीशन सी टू, और ये सोल्यूशन सेट आया एस टू. तो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ केस कंडीशन, टेकिंग इंटरसेक्शन विद केस कंडीशन, क्या आंसर आया, वही आया वन से टू. तो फाइनल आंसर इसका क्या है, हाँ जी फाइनल आंसर आ गया, एक्स बिलोंग्स टू वन टू, वन ओपन से टू ओपन. इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट. तो गेम वन का क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट, 12 क्वेश्चन डी पार्ट, 12 क्वेश्चन में डी पार्ट देखो, तो ये भी सिंपल ही है. टू रेज टू द पावर वन माइनस एक्स माइनस टू रेज टू द पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एक्स माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो. अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि टू की पावर एक्स के अलावा कोई दूसरा फंक्शन तो यूज नहीं हो रहा है. तो आप इसमें टू की पावर एक्स को क्या मान लो, वाई मान लो. डेफिनेटली वाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं. और ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू की पावर माइनस एक्स, और 2 की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई वाई. तो यहां आ जाएगा 2 बाई वाई, पहला वाला 2 बाई वाई हो गया, माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस लेस देन इक्वल टू जीरो. चलो सॉल्व करो फटाफट इसको, इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन बताओ. किसी एक बच्चे ने गेम वन का 12th का फर्स्ट पार्ट भी पूछा हुआ, तो ये तुम्हारा आ रहा है 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो. न्यूमरेटर को देखो तो माइनस कॉमन लेके आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू अपॉन वाई इंटू वाई माइनस वन. फैक्टर करोगे तो आएगा y माइनस टू वाई प्लस वन, वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस टू अपॉन वाई इंटू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो. लेस देन जीरो और माइनस ऑफ y प्लस वन इंटू वाई माइनस टू अपॉन वाई इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कब जीरो होगा, जब y की वैल्यू माइनस वन या टू हो जाए. अब ये लेस देन जीरो को सॉल्व यहां से आगे चलो क्या हो जाएगा बेटा, टू माइनस वाई, ये माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, इंटू वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन इज लेस देन जीरो. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ए और बी का रेशियो पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, अगर रेशियो नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा. अब ये वेविगर मेथड से सॉल्व हो जाएगा. क्या क्या इसके रूट्स हैं, माइनस वन जीरो
वन एंड टू। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सारे रूट सिंगल टाइम्स हैं तो सब जगह साइन चेंज होगा। हमें चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहाँ आ रहा है? वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ओपन यूनियन, जीरो से वन यूनियन, टू से इन्फिनिटी। ये वाई की वैल्यू आई है, है ना, और साथ के साथ वाई माइनस वन भी होगा और टू भी होगा, तो यूनियन माइनस वन एंड टू भी इसी में डाल दो, तो इस इसे माइनस वन की वजह से यहाँ क्लोज हो जाएगा और टू की वजह से यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास में कंडीशन आ रही है वाई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन, और वाई जीरो से लेके वन या वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू। बट वाई क्या था? वाई था टू रेस टू द पावर एक्स। अब यहां लिखेंगे टू रेस टू द पावर एक्स वाई के जगह पर, लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि टू की पावर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस वाले का सोल्यूशन सेट तो आया एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, और मतलब यूनियन, ये होगा जीरो जीरो को लिख सकते हैं टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, लेस देन वाई को लिख दो टू की पावर एक्स, और वन को लिख दो टू की पावर जीरो, और टू की पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू की पावर वन। अब बताओ इसके क्या सोल्यूशन आया, इसका क्या है और इसका क्या है? यहां से आया एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, है कि नहीं? अरे टू की पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑर्डर वही रहेगा सेम, तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स कहां तक होगा? जीरो क्लोज्ड तक, नो जीरो ओपन यूनियन, और यहां से क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन वन, टू की पावर एक्स ग्रेटर देन टू की पावर वन, तो एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो वन क्लोज से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा सोल्यूशन आंसर था। आई रिपीट, क्या था? माइनस इन्फिनिटी से ओपन जीरो यूनियन, वन क्लोज टू इन्फिनिटी। ये तुम्हारा ट्वेल्थ का डी पार्ट का आंसर आ गया, ट्वेल्थ का डी। अब इसके बाद में इसमें वैसे किसी ने ए पार्ट भी पूछा है तो मैं उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूं, पार्ट ए, ट्वेल्थ का ए। ट्वेल्थ ए तो बहुत ही बेसिक था, ट्वेल्थ ए अगर किसी बच्चे का नहीं होगा तो एक ही कंडीशन में नहीं होगा, जब उसको 0.125 को 2 की पावर में लिखना नहीं आ रहा होगा, ये क्या है 2 की पावर 4x, और व्हाट इज 0.125? 0.125 इज 125 डिवाइडेड बाय 1000, इट इज 1/8। 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर माइनस 3। अब 2 की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो सीधे 4x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 3 हो गई, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 3/4 हो गई, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस 3/4 से लेके इन्फिनिटी। ये 12th का वन ए पार्ट हो गया। और कोई डाउट बोलो भाई इसमें, गेम वन में और किसी ने कुछ तो पूछा नहीं? अब टेक्सुअल एक्सरसाइज देख लेते हैं। टेक्सुअल एक्सरसाइज वन। सर हाँ बोलो सर, जो 10th का जो सर ई पार्ट है सर, उसके आंसर में थोड़ी सी दिक्कत है। 10th का ई पार्ट इसी गेम में? यस सर, इसी गेम में 10th का ई पार्ट। ओहो, ये तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ही शेयर किया है बेटा। आंसर हाँ, 10th का ई पार्ट और
ट्वेल्थ का एच पार्ट सेम क्वेश्चन है, ध्यान दो, देखो। यस सर, सर एक मिनट। टेंथ का ई पार्ट और ट्वेल्थ का एच पार्ट, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। जो ई पार्ट टेंथ ई में जो आंसर दिया हो उसको रिजेक्ट कर दो, जो ट्वेल्थ का एच पार्ट है ना वही उसका आंसर सही है। और ट्वेल्थ एच मैंने पूरा, जो मैंने वीडियो शेयर किया आपको ना उसके अंदर पूरा डिस्कस किया हुआ, उसमें डाउट सेशन, दूसरी बैच का जो डाउट सेशन ना पिनाकल का, उसमें ट्वेल्थ का एच पूरा डिस्कस किया हुआ है, उसको वहां से देख लोगे क्योंकि लेंथी है डिस्कशन, पूरा प्रॉपर है। ओके सर, ठीक है, वहां से देख लेना, अगर दिक्कत होगी तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। ओके सर, अब चलो जी भाई गेम, अच्छा इसमें गेम टू में कोई डाउट नहीं है तुम लोगों का, गेम टू का 32, पहले गेम डिस्कस कर लो फिर मैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे जाऊं। गेम टू, गेम टू मतलब लॉग की बात करें है ना, लॉगरिथम वाली गेम जो है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गेम टू लिखे हैं सर, गेम टू पे लिखे हैं सर। हाँ क्या बोला बेटा सर, गेम टू में लिखे हैं सर, डाउट। गेम टू में, हाँ तुमने लिखे हैं, गेम टू का तुमने लिखा है ट्वेल्थ का एफ ए सी। चलो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, तब तक आप बाकी लोग बताते रहे है ना। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का बेटा ए पार्ट, ट्वेल्थ ए, ए रेस टू द पावर अल्फा, और इसकी टोटल पावर में है माइनस बीटा लॉग, लॉग ऑफ, लॉग का इनपुट है एन की पावर गामा और लॉग का बेस है ए की पावर एस। ये है पूरा कहानी, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब वैसे तो देखो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो बेस ऑफ एक्सपोनेंट है और बेस ऑफ लॉग है ये सेम बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, याद है लॉग ऑफ एक्स की पावर अल्फा और बेस में अगर ए की पावर बीटा है तो इसको हम लिखते हैं अल्फा बाई बीटा लॉग एक्स बेस ए, याद है कि नहीं? Yes, sir. तो जो इनपुट की पावर बाहर आती है मल्टीप्लीकेशन में और बेस की पावर डिवाइड हो जाती है ना, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यहां पर लगाओ, यहां पर तो क्या हो जाएगा, ए की पावर अल्फा की पावर में क्या आएगा, माइनस बीटा इंटू गामा अपॉन एस, और आ जाएगा लॉग एन बेस ए हो गया। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना, फटाफट बोलते रहो। यस सर। अब अगली प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं कि ए की पावर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय एस और इसकी पावर में है लॉग एन बेस ए। अब आपको पता है ए की पावर एक्स की पावर वाई अगर है तो उसको हम ए की पावर वाई की पावर एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये पावर को इंटरचेंज कर दिया तो मैंने लिख दिया ए की पावर लॉग ऑफ एन बेस ए लिख दिया और टोटल की पावर माइनस अल्फा बीटा गामा ओवर एस। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, ये इनवर्स प्रॉपर्टी से, जो एक्सपोनेंशियल का बेस है वही लॉग का बेस है तो एन हो गया, तो एन की पावर आ गया माइनस अल्फा बीटा गामा ओवर एस, यही है आंसर। ये मोस्ट तो ये तुम्हारा ट्वेल्थ का ए पार्ट था। ट्वेल्थ का सी देखो, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सी, यहीं पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का सी पार्ट में दिया एक एक्सप्रेशन जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। एक्सप्रेशन तुम्हारा है ए की पावर लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एन, जिसमें जो पहला लॉग ऑपरेट हो रहा है वो दोनों लॉग का बेस बी है, मतलब पहले एन का लॉग लिया बी बेस पर, फिर जो आया उसको फिर से लॉग लिया बी बेस पर, डिवाइडेड बाय
लॉग ए बेस बी। अब जरा ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी है बेस चेंज थ्योरम, वो बोलता है कि लॉग एक्स बेस ए हो अपॉन लॉग वाई बेस ए हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस वाई। याद है या नहीं? यस सर। तो ये ध्यान से देखो, ये नंबर को आप एक्स मान लो, तो लॉग एक्स बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी, क्या लिखोगे इसको? सर लॉग एन बाय ए, सर लॉग, सर लॉग ए बेस एन। हाँ, इसको एक्स मान लो, लॉग एक्स बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी, तो ये हो जाएगा, बोलो, लॉग ऑफ एक्स बेस बी, नहीं, लॉग ऑफ एक्स बेस ए आया ना? यस सर। लॉग एक्स बेस ए आ गया। अब लॉग ए की पावर लॉग एक्स बेस ए क्या होता है? एक्स हो जाता है। यस। और एक्स किसको लिया था मैंने? लॉग लॉग बेस बी, लॉग एन बेस बी को एक्स लिया था, बस ये आंसर है। तो जस्ट बेस ट्रांसफॉर्मेशन, बेस चेंज थ्योरम यूज करना था इसमें, और कुछ नहीं यूज करना था। बेस चेंज थ्योरम जैसे ही आपने देखा तुरंत आंसर दिख गया इसका। क्लियर है? यस सर। तो ट्वेल्थ का ए हो गया, ट्वेल्थ का सी हो गया। इसके बाद में अगला जो था ट्वेल्थ का एफ बोला है तुमने, ट्वेल्थ का एफ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 एफ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको नोट कर लिया, चेंज करो स्लाइड को। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट एफ क्या दिया हुआ है? 4 की पावर 5 टाइम्स लॉग 3 माइनस रूट 6 का बेस 4√2 माइनस 6 टाइम्स लॉग रूट 3 माइनस रूट 2, बेस क्या है? 8। अब जरा देखो, जो ये बेस है वो 2 बेस का है, और ये लॉग के बेसेस भी सारे 2 में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहला काम तो वही करो कि बेस को 2 बना दो सारा। तो इसको तो हमने लिख दिया 2 की पावर 2, और इसकी पावर में जो लॉग है उसको मैं हटा रहा हूँ। 4√2 क्या होता है बेटा? 4√2 होता है 2² × 2½। तो ये होता है 2⁵2, है ना? तो yes, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैं लिख दें, इसको लिख देंगे 5 / ये 2⁵2। बेस में जो पावर होती है वो बाहर आती है डिनोमिनेटर में, है ना? बोलो। यस यस। और ये आंसर हमारा आ गया, लॉग ऑफ क्या आ गया? 3 − √6, और बेस क्या हो गया? 2। ऐसे ही इसको देखो, 8 क्या होता है? 2³। यस सर। इसकी पावर बाहर आएगी तो 6/3, और लॉग क्या बन जाएगा? लॉग √3 − √2, बेस 2। यस सर। अगले स्टेप पे जाओ, 2² की पावर। हाँ जी, ये कितना हो गया? 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया यहाँ पर, 2 और 2 कॉमन लो, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है ना? Yes, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ 3 − √6 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ √3 − √2 बेस 2, चलेगा? यस सर। अब बेस सेम है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? इसको 2 की पावर 4 की पावर। हाँ बोलो। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। यस सर। 3 − √6 / √3 − √2 बेस 2, क्या आया भैया? √3 − √6 को हम क्या लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू, तो रूट थ्री कॉमन ले लो तो आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू, एग्रीड? बोलो यस सर। तो यहां से हम देख सकते हैं थ्री माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस रूट टू क्या हो जाएगा, ये रूट थ्री के इक्वल आ जाएगा। Yes. अगला स्टेप में आ गया टू की पावर फोर होल की पावर क्या आया, लॉग ऑफ टू रूट थ्री बेस टू, बेस टू। तो इसको लिख सकते हैं टू की पावर लॉग ऑफ रूट थ्री बेस टू और टोटल की पावर फोर, आया ना? यस सर। अब टू इधर थे तो रूट थ्री, तो रूट थ्री की पावर फोर हो गए और ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर दैट इज नाइन। क्लियर है? यस सर। तो ट्वेल्थ का एफ पार्ट हो गया, ट्वेल्थ का एफ पार्ट के बाद में अगला बोलो, और किसी पार्ट में किसी को डाउट था? सर 16th क्वेश्चन। एक टेंथ भी तो पूछा था, टेंथ तो हो गया था, टेंथ में कौन सा पूछा था सर? सर एक सेकंड सर, देखते हैं। टेंथ में कौन सा पार्ट था? चलो 16 तो क्लियर है तो 16 डिस्कस कर लेता हूँ। टेंथ का सर, टेंथ का एफ पार्ट था सर, मेंशन करना था। टेंथ का एफ? यस सर। टेंथ क्वेश्चन का एफ पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट से तो अच्छा सी पार्ट है, सी पार्ट एक्चुअली चैलेंजिंग था, एफ पार्ट तो बहुत सिंपल था। टेंथ का एफ में क्या दिया देखो, लॉग सिक्स बेस टेन प्लस टू टाइम्स लॉग फाइव बेस टेन प्लस लॉग फोर बेस टेन माइनस लॉग थ्री बेस टेन माइनस लॉग टू बेस टेन, यही दिया हुआ। ये टू को बाहर ले जाओ यहाँ पर, ये टू यहाँ पावर में ले जाओ, ये हो गया तुम्हारा log of 6 base 10 plus log of 25 base 10 plus log of 4 base 10 and minus log of 3 base 10 plus log of 2 base 10, agreed? अब log a plus log b plus log c, तो ये हो गया तुम्हारा log of 6 into 25 into 4 और माइनस वाला डिवाइड हो जाता है ना, थ्री इंटू टू बेस क्या होगा 10, क्या आया बोलो? 25 इंटू फोर 100, लॉग 100 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 2। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर नहीं 10 का एफ पार्ट था, है ना? 10 का सी पार्ट जरा करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, या कर चुके थे हम लोग क्लास में इसको? सभी लोग 10 का सी पार्ट करें, मतलब एक्चुअली 9th का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, ये दोनों थोड़े अच्छे हैं एज कंपेयर टू रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब मैं 16th डिस्कस कर दे रहा हूँ जो आपने पूछा था, बाय द टाइम आप ये दोनों कर लो, अगर डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 16, ये तुम्हारा गेम टू चल रहा है लॉग का, एक्सपोनेंशियल लॉग का गेम टू। 16th क्वेश्चन में LHS एक्सप्रेशन जो है वो है 1 upon log n base 2 प्लस 1 upon log n base 3, ऐसे 1 upon log n base 4 और कंटिन्यू हो रहा है 1 upon log of n base 1998। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बेस सेम होता है तभी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है, तो हमेशा जब लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि बेस को सेम बनाओ। अब बेस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दो बेस चेंज में, है ना? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग टू बेस एन
अगला वाला लॉग थ्री बेस एन, अगला वाला लॉग फोर बेस एन, और लास्ट वाला हो जाएगा लॉग 1998 बेस एन। अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई अगर बेस सेम है तो ये हो जाता है लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, एग्रीड? तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 1 × 2, 2 × 3 × 4 अब से 1998 तक, तो 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 1998 लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? यस सर। और इसी नंबर को हम n फैक्टोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया तुम्हारा, n फैक्टोरियल नहीं बोलते, 1998 फैक्टोरियल होगा ना, 1 से लेके कहां तक का प्रोडक्ट है ये, n तक का थोड़ी है, 1 से लेके कहां तक की नंबर है, 99। हां तो इसको लिखेंगे 1998 का फैक्टोरियल, तो आ गया तुम्हारा लॉग ऑफ 1998 फैक्टोरियल बेस n। और फिर से इसका रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ n बेस 1998 फैक्टोरियल, यही प्रूफ करना आरएचएस आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, और कोई क्वेश्चन बोलो बेटा। और कोई क्वेश्चन पूछना है या शैल आई गो टू टेक्सचुअल एक्सरसाइज? नो सर। और गेम थ्री भी अभी नहीं किया आप लोगों ने, बहुत स्लो कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ अभी आप प्रोग्रेशन में लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होने लगेंगी और वहां पर आपको तकलीफ में आ जाओगे। जैसे आप जीपी में चल गए ना, जीपी में हमने क्या बोला था, जीपी के जो जनरल टर्म जीपी का होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो वहां पर सॉल्व करते समय जब भी रिवर्स कैलकुलेट करना होगा तो लॉग का यूज करना पड़ेगा, तो लॉगरिथम की बहुत सारी प्रॉपर्टी जीपी और एचपी में आएंगी, वो क्वेश्चंस आप ट्रबल में आ जाएंगे अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितने जल्दी हो सके लॉगरिथम के सम्स करके थोड़ा उसमें इक्वेशन इन इक्वालिटी में कंफर्टेबल हो जाओ। सो लेट मी गो टू टेक्सचुअल एक्सरसाइज। हाँ जी, ये है टेक्सचुअल एक्सरसाइज आपकी, इसमें क्वेश्चन मुझे बता दो जो जो आपने बोला है, पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज वन में आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 7 and 12 दो ही, सिर्फ दो क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर से सभी लोग देख लो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में ये दो के अलावा भी कुछ डाउट है क्या? फर्स्ट का सी, जो भी है पूछो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ भी जो आपको पूछना है, सारे क्वेश्चन बोलोगे मैं सारे डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल कमांड आना चाहिए इस आर्टिकल पे। वन का सी, अब जब देखो कोई भी दो नंबर को, दो एक्सपोनेंशियल नंबर को या दो लॉगरिथम को कंपेयर करना है, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, नोट करके चाहो तो लिख भी सकते हो इस बात को कहीं पर, क्या इन ऑर्डर टू लिख दो कहीं पर नोट, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज टू एक्सपोनेंशियल्स आइदर रिड्यूस देम टू सेम बेसिस और रिड्यूस देम टू सेम इन सेम एक्सपोनेंट्स, या तो उनका बेस सेम बना दो या तो उसकी पावर सेम बना दो, तभी कंपेयर हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे बोलूं 4 के पावर 3
एंड टू के पावर फाइव में कौन बड़ी है? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा चलो इसको भी टू बेस पे ले लो, तो ये हो गया तुम्हारा टू के पावर सिक्स और ये क्या हो गया टू के पावर फाइव, तो ये बड़ी, क्योंकि बेस अगर सेम कर दिया तभी ना पता चला कि इसका पावर बड़ा है, तो ये बड़ी, ठीक है। ऐसा ऐसे ही अगर मैं ऐसा बोलूं, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया टू के पावर 300 और 3 के पावर 200, 2 के पावर 300 और 3 के पावर 200 में बड़ा कौन है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ऐसा बोल रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, बेस एक इधर बेस 2 है इधर बेस 3 है, तो बेस तो बराबर नहीं कर सकते क्योंकि 2 की कोई भी पावर 3 की कोई पावर के साथ मैच नहीं कर सकती, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, तो उसके लिए पावर को सेम बना दो। बेस जब बराबर नहीं हो सकता तो क्या कर दो, पावर को बराबर कर दो, तो इसको 2 क्यूब की पावर 100 लिख दो और इसको 3 स्क्वायर की पावर 100 लिख दो, लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया तुम्हारा 8 की पावर 100 और ये हो गया 9 की पावर 100, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 8 की पावर 100 9 की पावर 100 से बड़ा नहीं होगा, क्या होगा, छोटा होगा। तो समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल्स को कंपेयर करने में क्या करते हैं, या तो पावर को सेम करेंगे या तो बेस को सेम करेंगे। और इसी तरह से एक नोट और लिख दो, लॉग को कंपेयर करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू लॉगरिथम्स also we either reduce them to same base or we make their input same, या तो input को same करेंगे, argument को same करेंगे, input को argument भी बोलते हैं, या तो बेस को सेम करेंगे या तो आर्ग्यूमेंट को सेम। वहां भी वही था, पावर जो एक्सपोनेंशियल में पावर ही इनपुट होती है, तो पावर वहां पर या तो इनपुट को सेम करो या तो बेस को सेम करो, तो एक्सपोनेंट या लॉग दोनों के लिए ये बात होल्ड करती है कि कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा या जब आप सेम बेस बना दो या तो सेम इनपुट बना दो, दैट्स इट। तो ऐसा क्वेश्चन, जैसे ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा सी पार्ट ना। अब जैसे ये देखो, ये वाला, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, 54 की पावर 4 और 21 की पावर 12, विच इज लार्जर, जल्दी बताओ, 54 रेस टू द पावर 4 बड़ा है या 21 रेस टू द पावर 12 बड़ी है नंबर? तो 54 की पावर 4 और 21 की पावर 12 करना है, हम क्या बना सकते हैं सेम, पहले ये देखो, ये तो पूरा 3 बेस पे जा रहा है और इसमें बेस में 6×9 है, मतलब 3 भी है और 2 भी है, तो हम कोई एक अजम्पशन लेके भी चल सकते हैं, मान लो ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है और फिर उसको सॉल्व करें और रिड्यूस कर दें बाद में कि नहीं ये तो कंट्रडिक्ट कर गया, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिख दें, 21 की पावर 3 की पावर 4, क्या किया मैंने, पावर को सेम कर दिया 4। अब 54 और 21 का क्यूब कौन बड़ा है, बिकॉज 54 इज लेस देन 21 का क्यूब, ऑब्वियस सी बात है, एंड देयरफॉर 54 की पावर 4 इज लेस देन 21 की पावर 12, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसी को करने का एक तरीका ये भी होता है कि मान लो ये सही है,
मान लो सही है तो 54 क्या है, 6 × 9⁴ इज लेस देन 21 क्या होता है, 3 × 7⁻¹¹. फिर यहां से देखो तो 6 में 3 है तो यहां पर आ जाएगा 2⁴ × 27¹⁴ मतलब 3¹² और इसको क्या लिख दिया 3¹² × 7¹² तो 3¹² तो पॉजिटिव फैक्टर है कैंसिल कर दिया. अब इसके बाद आ गया 2¹⁴ इज लेस देन 7¹² तो बड़ा कौन, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये छोटा है. 2¹⁴ क्या है, 16 है और ये 7¹² इट्स अ बिग नंबर, वेरी बिग नंबर. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसे भी सोच सकते हैं. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. दे विच वन इज लार्जर, आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर. फाइंड द ग्रेटर ऑफ, फाइंड द ग्रेटर ऑफ log 3√2 एंड log 5√4. कौन बड़ा है, इन दोनों नंबर में कौन सी नंबर बड़ी है? मैंने आपको क्या बताया कि कंपेयर करने के लिए या तो इनपुट को सेम बनाओ या तो बेस को. क्या सेम बना सकते हैं यहां पर, बेस को सेम बना सकते हैं. कैसे, इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2² 4 को लिख दिया 2² अब 2² का हो जाएगा हाफ log 5√2 और ये नंबर है log 3√2. अब क्या करें, अब ये हाफ को ले जाओ पावर में किसके, 5 के, तो ये आ जाएगा √5√2 और ये आ गया log 3√2. अब बताओ 3 बड़ी नंबर है या √5, 3 इज ग्रेटर देन √5, √5 होता है 2. 3 इज ग्रेटर देन √5 और log 2 बेस का log इंक्रीजिंग फंक्शन होता है क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा है तो log क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो लॉग ऑपरेट करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा. लॉग 3√2 विल बी ग्रेटर देन लॉग ऑफ √5√2 एंड देयरफॉर कौन सी बड़ी आई, ये नंबर बड़ी है, दिस इज लार्जर एंड दिस वन इज, दिस इज स्मॉलर. तो कैसे लॉग को कंपेयर करना है, कैसे एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है, दो तीन सवाल कर लिया, समझ में आ गया कैसे वर्कआउट करना है. अब इसके बाद में टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखो. बेटा अपना माइक्रोफोन को ऑफ करके रखो अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो. हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो बेटा, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7. ये देखो अब बोल रहे हैं द कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका. तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए हैं आपने. ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, तो हो जाएगा 4 × 2⁻¹² का होल स्क्वायर −2√x × 3√x. 6 को ब्रेक कर दिया 2 × 3 इज इक्वल टू 18 × 3√x का होल स्क्वायर. तो डिवाइड कर दो 3√x का होल स्क्वायर, चाहे इससे कर दो चाहे 2√x का स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी, आप किससे डिवाइड करना चाहते हैं. मैंने 3√x का स्क्वायर से डिवाइड किया तो आया क्या 4
टू रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक थ्री की पावर एक्स कैंसिल हो गया तो टू की पावर एक्स अपॉन थ्री की पावर एक्स एंड माइनस 18 इक्वल टू जीरो। तो अगर मैंने लिखा तो फोर टू बाई थ्री की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री की पावर एक्स क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं? अरे बोलो, क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसको वाई अज्यूम कर लो तो आ गया फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 18 जीरो। 18 फोर जा 72, 72 के दो फैक्टर करो, माइनस 72 के दो फैक्टर करो जिनका सम माइनस वन हो, माइनस 9 एंड 8। तो आप इसको लिख लो y माइनस 9 y प्लस 8 फैक्टर हो जाएगा। नहीं एक सेकेंड, आया 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 y प्लस 8 y माइनस 18 जीरो। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? y, तो आया 4 y माइनस 9, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 आया, तो आया y प्लस 2 इंटू 4y माइनस 9 0। अब जरा देखो हमने किसको y लिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में 2 ऐड करके 0 तो नहीं हो सकता कभी भी, तो पहला फैक्टर कभी 0 नहीं हो सकता। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, पहला नॉन जीरो है तो दूसरा क्या होगा? 0। तो y की वैल्यू आ गई 9/4 और हमने y क्या लिया था 2/3 की पावर x। अब इसको सॉल्व कर ले, x की वैल्यू क्या है तो 9/4 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2/3 की पावर माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो आंसर आ गया सिंगलटन माइनस 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 12, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो वो भी जरा बताओ। मैं 12th क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सारे ही करो, चलो 10 से लेके 13 तक सारे सवाल करो, फटाफट जल्दी करो। जिन्होंने नहीं किया वो लोग करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, सभी सारे क्वेश्चन को वर्कआउट करो फटाफट जल्दी से, प्रैक्टिस करो। 12th क्वेश्चन जो डाउट पूछा गया वो मैं बता दे रहा हूं, बट पहले 10th, 11th और 13 करके बताओ। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए जो बताया गया वो क्या था? सेम बेस पे रिड्यूस करो, अगर बेस वन से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, बेस वन से बड़ा है तो इंक्रीजिंग। तो ये सिंपल है, इधर बेस 0.3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज 243? 243 को 3 के पावर थ्री की पावर फाइव ले नहीं सकते, 81, थ्री की पावर फोर इज 81, 81 इंटू थ्री इज 243, तो थ्री की पावर फाइव है। तो दसवां क्वेश्चन अगर डिस्कस करना हो तो आप बोलोगे 0.3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज लेस देन 0.3 की पावर 5। आप मानते हो कि नहीं मानते हो?
एंड बिकॉज बेस इज लेस देन वन, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल इज 0.3 विच इज स्मॉलर देन वन, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 6 विल बी ग्रेटर देन 5। अब इसको आंसर कर दो फटाफट, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करो, आंसर बताओ। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ प्लस 1 है, प्लस 6 नहीं है, प्लस 1 है, 5 को इधर ले आए ना, 2 प्लस 1 है ना, तो ये फैक्टर भी हो रहा है, क्या फैक्टर हो रहा है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, वेविकर मेथड, 1/2 और 1 दो रूट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से हाफ, यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो यू कैन सी द आंसर ए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही फटाफट ये 11th और 13th और 12th करना है, 12th तो आपका डाउट है तो 12th में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन 11th 13th का आंसर करो क्विक। जिनका हो गया है वो लोग आगे वाले क्वेश्चन करते रहेंगे, अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, वेस्ट नहीं होना चाहिए समय। इलेवेंथ भी देखो तो सिंपल ही है, इजंट इट? इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, 1/3 की पावर रूट ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3 की पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1/3 की पावर x, और बिकॉज 1/3 बेस है, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, तो आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन x, और एक कंडीशन और लगाएंगे बेटा कि x प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, क्योंकि रूट डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करना मतलब स्क्वेयरिंग तो करनी पड़ेगी, बिना स्क्वेयरिंग किए तो रूट हटेगा नहीं, सॉल्व होगा नहीं, तो x प्लस 2 पॉजिटिव है मतलब x बिलोंग्स टू माइनस 2 से इन्फिनिटी है। अब यहाँ दो केस है, स्क्वेयरिंग हम करने के पहले हमें देखना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग के रूल पॉजिटिव नंबर के लिए अलग होते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए अलग होते हैं, और एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो तब तो अलग ही रूल होते हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट नंबर तो चलो हमेशा रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो राइट साइड के नंबर एक्स है, एक्स तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो हम दो केस बनाएंगे यहाँ से, क्या करेंगे क्या करेंगे, दो केस, केस वन लेंगे क्या, जब x नेगेटिव है मतलब x की वैल्यू माइनस 2 से 0 है। अब अगर x नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, RHS तो नेगेटिव हो गया और LHS पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटी है तो कभी हो नहीं सकती, कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटी तो नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती बट छोटी नहीं हो सकती, इक्वल भी नहीं हो सकती। यहां बोल रहे हैं कि ये इससे छोटा है तो पॉसिबल नहीं, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब माइनस 2 से 0 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, और ये कॉमन सेंस है, एक्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव इज फॉल्स। अब दूसरे केस में जाएंगे, दूसरा केस क्या लेंगे, अरे
जीरो से इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से, जीरो से इन्फिनिटी। अगर एक्स जीरो से इन्फिनिटी है तो रूट एक्स प्लस टू ये तो पॉजिटिव ही होता है और एक्स भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो आ जाएगा एक्स प्लस टू इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। फिर से वेविकर मेथड लगाओ, तो माइनस वन और इधर आ गया टू, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो सोल्यूशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। लेकिन लेकिन केस कंडीशन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, तो ये केस कंडीशन सी टू और सोल्यूशन सेट जो है एस टू दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन, तो सी टू इंटरसेक्शन एस टू क्या आएगा टू से इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू टू क्लोज्ड से इन्फिनिटी ना टू ओपन से इन्फिनिटी, आई एम सॉरी टू ओपन से इन्फिनिटी कर लो, ठीक है, तो यू गॉट द आंसर एक्स बिलोंग्स टू टू ओपन से लेके इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, 12th आपने डाउट पूछा था, 12th क्वेश्चन को में कुछ कॉन्सेप्ट भी है इसलिए मैं बता देता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है उस वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जाओ, ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है जी, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है पहले कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेथ रूट ऑफ या एनथ रूट ऐसे लिखो, एक्सेथ रूट की बजाय एनथ रूट ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्योंकि फर्स्ट रूट वनथ रूट जैसा कुछ नहीं होता, टूएथ रूट होता है, सेकेंड रूट स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, कभी ऐसा सुना है 7.2th रूट, तो मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूँ nth रूट तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए और वो भी वन नहीं होनी चाहिए, टू से या टू या टू से बड़ी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। एंड दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि x के ऊपर कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड तो x कुछ भी हो सकता है, बट अगर n इवन है स्क्वायर रूट फोर्थ रूट तब x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है nth रूट के डिस्क्रिप्शन की, nth रूट को डिस्क्राइब करने की ये बातें याद रखनी चाहिए, याद रहेगा, क्या याद रहेगा, इसको लिख दो कमिट टू मेमोरी सी टी एम, क्या लिख दो कमिट टू मेमोरी, या इसको आप बोल सकते हो रोबैम, रिव्यू ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स है, ये अभी कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सब बेसिक क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं अगर अच्छे से पढ़े हैं तो, वैसे मैथमेटिक्स अच्छे से कोई पढ़ता कहाँ है बेसिक क्लास में, तो एनीवे इसको मानते हुए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, आपका क्वेश्चन था एक्स प्लस वनथ रूट ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन नाइन, तो पहले तो एक्स प्लस वनथ रूट कब डिफाइंड होगा, तो क्लियरली दिस टू बी डिफाइंड सॉल्व तो बाद में होगा, पहले डिफाइंड होना चाहिए, तो उसके लिए एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन इज नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो यहां से आ गया कि एक्स क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन,
वन को उधर ले जाओ और एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो आ गया कि एक्स क्या हो सकता है, तो एक्स हो सकता है तुम्हारा 1, 2, 3, 4 ऑन एंड ऑन, ऐसे वैल्यू हो सकती है बस। अब आते हैं कि ये तो हुआ कि एक्सप्रेशन डिफाइंड हुआ, अब हमें ये भी तो करना है, क्या सॉल्व भी तो करना है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। अब अगर ऐसा है तो ये एक्सप्रेशन हमारा लिखा जाएगा 3 की पावर 1 अपॉन x+1, जैसे स्क्वायर रूट है तो क्या लिखते हैं 3 की पावर 1/2, क्यूब रूट है तो क्या लिखते हैं 3 की पावर 1/3। तो ये एक्स प्लस वन रूट है, 3 की पावर 1/x+1 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2, इसका तो 1 अपॉन x+1 इज ग्रेटर देन 2, और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर x की वैल्यू नेचुरल नंबर है 1 एंड ऑनवर्ड तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो ये फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन 2 से बड़ी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब नल सेट आ गया सॉल्यूशन, क्या गया? हाँ, तो x बिलोंग्स टू नल सेट, तो आप इसका आंसर हो जाएगा ये a, x इज अ नेचुरल नंबर बट x हैज टू बी नल सेट बिकॉज कोई नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इनफैक्ट x बिलोंग्स टू नल नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं, ओनली जस्ट यू से दैट x बिलोंग्स टू नल सेट, दैट इज इट। इसको 13 का आंसर करो, और कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, जल्दी बोलो भाई, और किसी पार्ट में कोई डाउट है? लॉग का कोई इक्वेशन, लॉग का कोई इक्वेशन, लॉग की कोई इनइक्वालिटी? तनिष्क, पढ़ाई नहीं हो रही बेटा? कोई डाउट आउट है नहीं तुम्हारे? सानिया, सबरीना, तुम लोग बोलो भाई, कोई डाउट है? क्या मतलब है इसका, क्या लूं मैं? नो डाउट, नो स्टडी, नो कंफ्यूजन? नहीं, क्लास में कवर हो गए थे, कहा टेक्सुअल एक्सरसाइज तो क्लास में डिस्कस नहीं हुई थी बेटा, क्लास में तो ज्यादा ज्यादा गेम के क्वेश्चन कवर हुए थे ना। चलो फिर मैं अभी देता हूं, क्वेश्चन करो। ठीक है, ठीक है, नहीं इसका मतलब गेम 3 तुम लोगों ने किया नहीं सारे क्वेश्चन। हाँ चलो 13th क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, 13th क्वेश्चन कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर इंटू 5 raised to the power x - 5 raised to the power 2+x, ये है लेस देन 0, आपको सॉल्व करना है x के लिए। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी दिस, क्या करें? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 की पावर x है, और इसको क्या लिखें? 25 into 5 की पावर x, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? a की पावर x + y = a की पावर x * a की पावर y, इट इज लेस देन 0। कॉमन क्या है दोनों में से? अब ये अप्रिशिएट कर रहे हो बैठ के, जब मैं एक एक चीज पूछूंगा क्या है तब आप बोलोगे, जैसे ही मैंने ये लिखा फटाफट पेन पेपर लेकर के धड़ाधड़ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। 5 की पावर x कॉमन लिया तो x² - 25 आ गया। अब सॉल्व करो, बिकॉज 5 की पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर ये पॉजिटिव है और ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो x-5 into x+5 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए।
अब वेविकर मेथड से सॉल्व कर लो, x बिलोंग्स टू -5 to 5। तो देखो अगर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तब होगा जब आपने सॉल्व किया, ट्राई किया, नहीं हुआ और फिर आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको फायदा होगा। और अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं और आप इसको वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ में आ रहा है, अप्रिसिएट कर रहे हो, हाँ हो गया हो गया, तो ये सिर्फ बोलते हैं ना कि दिल को खुश रखने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है, तो ये ख्याली खुशी है कि आप जो है कुछ वैसा ही हो जाएगा ना, जैसे क्रिकेट मैच देखते रहो और जब बैट्समैन छक्के लगाता है तो खूब खुशियां मनाते, लोग तालियां बजाते, डांसर्स करते हैं, चीयर लीडर्स बन जाएंगे। तो वो चीयर लीडर नहीं बनना है, क्या बनना है, बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है, फील्डिंग करनी है, अपील करनी है। चलो कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आपको छोड़ देते हैं, आपकी अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है ना। तो इसमें से एक काम करते हैं, ये तीन क्वेश्चन देख रहे हो आप, 14, 15 और 16, इसमें से अपनी पसंद से चूज कर लो जो तुम्हें पसंद हो, एक क्वेश्चन कोई करके बता दो कौन सा, या मैं दूं, मैं दे दूं। अच्छा कर चुके हैं तब तो फैंटास्टिक, कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं अगर दूंगा तो मैं 16th दूंगा करने के लिए। एक्चुअली इसकी टेक्सुअल एक्सरसाइज 3 में अच्छे क्वेश्चन है, तो अभी तक तो आपने वहां तक निगाह भी नहीं डाली इतनी। सिक्स की पावर एक्स है तो सिक्स की पावर एक्स को आप लिख सकते हैं 2 की पावर x × 3 की पावर x, −2 × 3 की पावर x, −3 × 2 की पावर x, +6 पॉजिटिव। जब भी आपको इनइक्वालिटी या इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइज करना। चाहे इक्वेशन सॉल्व करते हो वहां भी फैक्टर करना होता है, इनइक्वालिटी करना है तो भी फैक्टर करना है, तो फैक्टराइज करना सबसे पहला एफर्ट होना चाहिए। फैक्टराइज करने में अब दिख रहा है फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन है, 3 की पावर x कॉमन लेकर के क्या फैक्टर बन रहा है, 2 की पावर x − 2, और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, −3, तो क्या बचेगा, 2 की पावर x − 2। अब फैक्टर हो गया कि नहीं, 2 की पावर x − 2 कॉमन हो गया तो बच गया 3 की पावर x − 3। इसका मतलब क्या है भाई, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो और या तो दोनों, तो दो केस लेके फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दो। पहला केस, केस वन, 2 की पावर x > 2 हो एंड 3 की पावर x > 3 हो, जब दोनों पॉजिटिव है तो। और दूसरा केस क्या होगा, 2 की पावर x < 2 हो और 3 की पावर x < 3 हो। तो यहां से आ गया तुम्हारा x > 1 और यहां से आ गया x < 1, मतलब बीच में और है, और तो आगे x belongs to 1 से infinity ओपन और x belongs to −∞ से 1 ओपन। फाइनल आंसर x belongs to −∞ से ∞ ओपन एक्सेप्ट 1। इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं, क्योंकि x को 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 1, है ना, क्या आंसर आएगा,
ऑल रियल एक्सेप्ट वन, तो ये आंसर आ जाएगा बी पार्ट। इज दैट क्लियर? तो और किसी का कोई डाउट नहीं है तो इस डिस्कशन को क्लोज करें। अब रेगुलर क्लास का टाइम भी आ गया ना तुम्हारा, कितने बजे से क्लास है? 10 बजे से है ना, ठीक है। तो लेट अस क्लोज द डिस्कशन, तब तक थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्स कर लो।